अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी क्लब। तो आज की इस वीडियो में मैं एक फाउंडेशन स्टिक का रिव्यू करने वाली हूँ। तो जी, ये मेकअप रेवोल्यूशन की फाउंडेशन स्टिक है। ये मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर की थी। इसका जो इनके पेज का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो ये ट्रैवल फ्रेंडली है और काफ़ी मेटालिक्स इसकी बॉडी है, मतलब ये अनब्रेकेबल है। क्योंकि बहुत सारी आपने देखा होगा फाउंडेशन स्टिक्स ऐसी आती हैं जिनकी पैकेजिंग काफ़ी मतलब ख़राब होती है, वो गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उससे आपके प्रोडक्ट का भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी मेटालिक बॉडी है तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो होता है वो भी सेफ़ रहता है। क्वांटिटी की बात करें तो एवरेज क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। अब बात करते हैं इसके टेक्सचर की, तो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी और स्मूथ है और बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। मतलब ये फाउंडेशन ऐसी है कि आपके स्किन में बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो अब हम आते हैं इसकी कवरेज की तरफ। इसकी कवरेज कैसी है कि तो इसकी मीडियम टू फुल कवरेज है, बिल्डेबल है, मतलब आप जितनी ज़्यादा लेयरिंग करेंगे उतनी अच्छी आपको कवरेज देता है। अगर हम बात करें इसकी फिनिश कैसी है, मतलब ये फाउंडेशन कैसा फिनिश देता है, तो ये बहुत ड्यूई और ग्लोई फिनिश देता है। मैट तो बिल्कुल नहीं है ज़ाहिर है, और ये बिल्कुल ऑयली स्किन वालों के लिए भी नहीं है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए भी ये बहुत बेस्ट फाउंडेशन है। अच्छा, अगर हम लॉन्गेविटी की बात करें तो इसकी जो लॉन्गेविटी है, अगर आप समर में इसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 to 5 hours ही आपकी स्किन पे स्टे करता है। उसके बाद मतलब बहुत जो है अजीब सा हो जाता है, उतरने लग जाती है आपकी फाउंडेशन। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये फाउंडेशन सर्दियों में ही इस्तेमाल करें, और जो ड्राई स्किन है, जिनकी बहुत एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है, वो उसको गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये मुझे लगता है जो स्टिक फाउंडेशन है ये ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा आइडियल है, ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत अजीब सी हो जाती है। तो खैर, अब हम बात करते हैं आखिर में इसकी शेड रेंज। तो इनके पास बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, हर स्किन टोन के लिए आपको शेड मिल जाएगा। और जो एशियन स्किन टोन है उनको मैं बोलूँगी कि आप कोशिश क्या करें, जो येलो अंडर टोन होती है आप वही फाउंडेशन अपने स्किन के लिए लिया करें। क्योंकि अगर आप पिंक या बहुत वाइट टोन में लेते हैं तो आपका जो फाउंडेशन होता है लगाने के बाद बहुत ग्रे हो जाता है। तो जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं ना कि हमारी फाउंडेशन ग्रे हो गई है, तो उसकी वजह यही होती है कि आप जो टोन होता है वो गलत सेलेक्ट करते हैं। तो जितनी भी एशियन स्किन टोन है पाकिस्तान और इंडिया, तो आप लोग येलो अंडरटोन में ही अपनी फाउंडेशन स्टिक जो है चूज़ किया करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।